वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। स्वस्ति श्री गुरु नानको विजयते वंदे गुरु नानकम। गोप्यं अहं गुरु नानकेन सत्यम श्री नानकाय ओम नमः। नान्यों में नानका गुरु बर है, तराय अस्व माम नानका श्री नानके आसमहम। मान करूं तो दियो परे मेरे प्रीतम प्यारे, हमें अपराधी सद भूलते। तुम बख्शन हारे जीता समुद्र सागर नीर भरिया। जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरे उपावो, डूबदे पत्थर तारे। ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें, बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें। तेरी वडियाई ए तेरी वडियाई, ओ ए तेरी वडियाई, ए तेरी वडियाई, ए तेरी वडियाई, ए तेरी वडियाई, जी ए तेरी वडियाई, ए तेरी वडियाई, वडियाई जे सानू बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें, ए तेरी वडियाई जे सानू बख्श लवें। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई।
सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु राखो शरणाई जे मैं औगण हार ना हुंदा जे मैं औगण हार ना हुंदा जे मैं औगण हार ना हुंदा तां तू बख्शन हार ना हुंदा किथे जांदे सवाली दाता किथे जांदे सवाली दाता जे तेरा दरबार ना हुंदा तेरे द्वारे वर्गा सानू दर नहीं लभिया 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 दर
नहीं लभ्या दर नहीं लभ्या दर नहीं लभ्या दर नहीं लभ्या तेरे द्वारे वरगा सानू दर नहीं लभ्या तेरे द्वारे वरगा सानू दर नहीं लभ्या अति उच्चा तांका दरबार अंत नाही किछ पारा बारा डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया महाराज तेरे द्वारे अर्गा दारी कोई नहीं कलगी तरजी गोया नंद लाल उन्हों सवाल पूछते हैं नंद लाल दुध मखना पालिया नंद लाल तैंकी वेख्या मेरा फकीर दाई जूठे टुक खाने मथे तूड़ लाने होया की तेरी तकदीर दाए काबल कंधार ते गजनी छड़ आए रुतबा पाके बड़े वजीर दाए तैनू की दिस गया साडे च अगे जवाब है फिर भाई नंद लाल दा ओ भी कवि ने महाराज ओथे तेज तलवार ना कम कर दी जिथे नैणा दा होया शिकार तेरा आ एक नजरां दे तीर है तुहाडे तुहाडी मेहर दी नजर दा ही तीर वजिया मेरे आ मेर दी नजर दे तीर अपने ते भी इत्थे आ की वजणगे ओथे तेज तलवार ना कम कर दी जिथे नैणा दा होया शिकार तेरा काबल कंधार ते गजनी भुल गया मैं आके वेख्या जदों दरबार तेरा राजिया महाराजिया ने दरबार कह दे दरबार ते तुहाडा है आ वेख लो अज किवें दरबार सजिया तुहाडे नगर विच आ किवें वैकुंठ का नक्शा उतरिया ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
कंधार ते गजनी भुल गया मैं। आके वेखिया जदों दरबार तेरा वाडे द्वारे अर्गा द्वारा ही कोई नहीं महाराज। मैं करा चाकरी जी तेरे दर्दी तेरे कर दी, करा चाकरी जी तेरे दर्दी तेरे कर दी, चाकरी जी तेरे दर्दी तेरे दर्दी, करा चाकरी जी तेरे दर्दी तेरे दर्दी। सर ते रखियो जी हाथ सर ते रखियो जी, जिंद मेरी रहे जमा तो डरती, मैं करा चाकरी जी तेरे दर्दी तेरे दर्दी, प्रभ बेनती अपनी भगती लाए, सगल द्वार को छाड़ के कहे ओ तुहारो द्वार, वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। परम सत्कार योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुड़ बैठे सर्व वायु रूपाई, आओ सब तो पहला जिथे तन की हाजरी भर रहे हैं उत्थे मन करके भी सारे हाजिर होइए, कोई भी रसना वांझी ना रहे, एक बार सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत वड्डी कृपा महाराज दी हो रही है। नगर राजगढ़ अज तीसरे दिन का आनंद आपां माण रहे हैं, बहुत महाराज दी कृपा है। जिथों तक पंडाल लगे है सारी ग्राउंड संगतां दा ठाठा मारदा कट है, ये तुहाडे प्यार दे प्रतख दर्शन है भाई। सो आओ संगतां दा उद्यम उपराला सच्चे पातशाह दी कृपा, आपां नूं सतसंग रूपी मान सरोवर मिल गया है, हुण लोड़ है परम हंस बनन दी लोड़ है। एकाग्रता बना के सुनिए
सब तो बड़ा आनंद मात लोक की धरती से सत संगत दे, ये तो बड़ा आनंद कोई नहीं। कबीर जी महाराज का अंत का समा आ गया, उन्होंने पहले ही पता लग गया सी। हुण आपां कहांगे किवें पता लग गया, जदों अपने सवासां दी लड़ी टुटनी है, छे महीने पहला सवासां दी गंढ खुल जांदी है, ते पता उन्हों लगदा हुंदा है जिहड़ा सवासां दा ध्यान धर के सिमरन करदा है, उन्हों पता लग जांदा है वी अज मेरे अंदर कुछ खड़ाक पैदा हो गया है, कोई हलचल हो गई अंदर, बस आने वाले छे महीनों तक तुर जाना है। अभ्यासियों को पता लगता है, हुण आपां की पता लगना जिन्ने क बैठे हाँ भई कि सवासां की गंढ खुली है, आउंदे साल तां ही आउणा कि नहीं आउणा आपां की पता है। पर अभ्यासी पुरख दस दिंदे है मेरे अंदर कोई खड़ाक पैदा हो गया है, बस आने वाले समय च चले जाना है। कबीर जी महाराज मौत नूं सामने देख के रोया करन, उन्हां नूं प्यार करन वालियां संगतां कहिंदियां महाराज रोने कादे वास्ते हो, ओह कहिंदे मैं मरन तों डरदा भाई, मौत नूं सामने देख के रोना। लै संगत हैरान हो गई, कहिंदे महाराज तुसीं क्यों डरदे हो मौत तों, उपरों उपरों ही कहते सी मोहे मरने का जाओ है मरो ता हर कह द्वार, उतों उतों ही कहते होंगे सी जिस मरने ते जग डर है मेरे मन आनंद। हुण मौत नूं वेख के रोने हो महाराज, मौत नूं वेख के वह लोग रोंदे आ जिन्हां ने मरन तों बाद नरकां च जाना हुंदा है, तुसीं तां बैकुंठ विच जाओगे सच खंड विच तुहाडा वासा होगा, तुसीं क्यों रोने हो। कबीर जी कहिंदे होर सब कुछ मिल जूगा सच खंड विच, पर मैं रोना इस करके आ राम बुलावा भेजिया पया कबीरा रोए, मैं तां रोना जो सुख साधु संग मैं सो बैकुंठ ना होए, उथे होर सारा कुछ मिल जूगा पर आ जिहड़ा मात लोक दी धरती ते साधुआं दी संगत दा आनंद है ना सचखंड विच ए नहीं लभदा, को सतना ए आनंद बंदे नूं उथे भी नहीं मिलदा हुंदा है। सत संगत दा आनंद ए मात लोक दी धरती ते मिल सकदा है। सब तो बड़ा आनंद सब तो बड़ा तीर्थ जे कोई है मात लोक ते उह सतसंग है। मैं इसे करके रोना आनंद नहीं उत्थे मिलना, वेख लो रब दे प्यारिया ने सुरग भी रदते उन्होंने नरक भी रदते, वो कहिंदे ये क्या सुरग क्या नरक विचारा संतन दो रदे, उन्होंने रद ते दोने ही सुरग भी रदी दी टोकरी च मारिया उन्होंने नरक भी, क्यों वो कहिंदे परवाह कोई नहीं सानू सुरगां दी ते नरकां दी, असी रब दी रजा विच रह के जिहड़ा आनंद माणदे आ वो नहीं कितों मिलना है। आपां विचार शुरू करिए, दो तरह दे बंदे दा जीवन है, एक गुरमुख दा जीवन है एक मनमुख बंदे दा जीवन है। जिंदगी दोने ही ज्यौंदे है पर भाई गुरदास जी कहिंदे एक जिंदगी दी बाजी हार के तुर गया एक जिंदगी दी बाजी जित के चलिया गया है। जिवें ताश दे विच नहीं बाजियां लाउंदे तुसीं, आ इलाके च बहुत ताश खेडदे आ पहलां लोकी, हुण तां मैनूं पता नहीं, अपना इलाका तां बड़ा मशहूर हुंदा सी ताश खेडण दे विच, ऐ पिपलां दे थले बैठे साडे बापू सारी सारी दिहाड़ी ताश ही खेडी जांदे आ। ये ताश दे विच बाजी हुंदी है, कोई जित जांदा है कोई हार जांदा है। भाई गुरदास जी कहिंदे जितया कौन, कहिंदे हार चले गुरमुख जग जीता
मनमुख बंदा हार के तुर गया ते गुरमुख जित के चलिया गया। मनमुख की जिंदगी वो किसी काम की जिंदगी नहीं जिहड़ा गुरु तो बेमुख हो गया। हजूर कहिंदे ने जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। जिहड़ा मनमुख बन गया ना वो बख्शिया नहीं जांदा कितों, बख्शिया गुरु तो ही जांदा है। अनेक जोनी भरम आवे इत्थे सालां बधी महीनिया बधी तां गल ही नहीं। भावे कहिंदे कई जूनियां विच भड़कदा रहे फिर भी कहिंदे मुक्त नहीं हुंदा, मुक्त गुरु कोलों ही हुंदा। आके मनमुखताई दा दोष कितों लहिंदा नहीं हुंदा। जगत गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारन वास्ते तुरदे है। अपने बचपन दे साथी भाई मरदाने नूं कहिंदे मरदानिया चल लोकां दे दुख दरिद्र दूर करिए, संसार बड़ा दुखी हो गया, आपां लोकां दे दुख दर्द वंडाइए। जाके राजनीतिक लोग धार्मिक लोग उन्होंने परजा विच सुख वंडने सी वो परजा नूं लुट के खाण लग गए। चल चलिए लोकां दे दुख वंडाइए, चल चलिए मरदानिया दुनिया बड़ी दुखी होगी। चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे, चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे, चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे, चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे। लीडर हिंदू मुस्लिम पाड़े दा राजनीतिक लोग लोकां दी आपसी फुट दा लाहा ले लेंदे है, लोकां नूं लड़ा लड़ा के आप मौजां करदे है। लाहा लैंदे लीडर हिंदू मुस्लिम पाड़े दा जिउणा औखा हो गया इस धरती ते माड़े दा, वेख की हाल हो गया है। चेहरे नंगे करने मेला पींदिया जोकां दे, चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे, चल चलिए मरदानिया दर्द बंडावन लोकां दे। मेरे दा वेड़ा दिनों दिन थले गर्क रहे, बगले ते मोरा विच ना कोई बहुता फर्क रहे। जिन्ना ने लोकां दी राखी करनी सी ना वो लोगों खान खा लग गए, तंग कर लग गए।
बाड खेत दी राखी वास्ते करी सी पर बाड़ी खेत नूं खाण लगी। मर्दानिया वेख दुनिया दा हाल, जिस्मां दी मंडी ते बह गए इजड़ बोकां दे। चल चलिए मर्दानिया दर्द बंडावण लोकां दे, चल चलिए मर्दानिया दर्द बंडावण लोकां दे। चलिए मर्दानिया दर्द बंडावण लोकां दे, चल चलिए मर्दानिया दर्द बंडावण लोकां दे। बाबा जी चले जिथे भी पता लगदा मेला लग्या है, मेले च कठे हुए लोगों नूं सच दा उपदेश दिंदे आ महाराज। हरिद्वार दी धरती ब्राह्मण वीरां नूं महाराज ने उत्थे उपदेश दिता, जीवत पितर न माने को मूए श्राद्ध कराई। सूरज नूं पाणी दिंदे हो बई, सूरज देवता अपने पुत्र धर्मराजे नूं कह के साडे बजुर्गों नूं रिहा करा दूगा। मरे बजुर्गों का फिक्र करन नालों जिउंदियां दी सेवा कर लो। आखो सतनाम, ये उपदेश महाराज ने दिता। मक्के का पावन अस्थान, गुरु बाबा जी ने यही उपदेश दिता है, ए काजी लोको अल्लाह पाक नूं कल्ला मक्के विच कैद ना करो। अल्लाह पाक धरती दे जरे जरे विच वसदा है, ये नहीं भी एको ही जगह कैद होया होया है। जे रब कला मक्के च ही कैद है फिर अवर मुल्क किस केरा, बाकी दुनिया एवें थोड़ी तुरी फिरदी है, इहदा भी कोई मालक है। अज दे समें विच बहुते लोग कह दिंदे आ भी सब कुछ अंदर ही है, गल बिल्कुल सही है। जे सब कुछ अंदर ही है, आ जेड़ा बाहरला संसार एवें तां नहीं बनाता रब ने, इहदा भी कोई मालक है। आ वारी संसार आपदी मर्जी ने तां नहीं तुरिया फिरदा, इहनूं भी निरंकार ही चलाउंदा है। सच दा उपदेश महाराज ने दिता, जिथे भी जाना ज्यादातर महाराज मड़ियां विच सजदे हुंदे सी, कबरां विच बहिंदे सी जाके। किथे सियालकोट दी धरती गुरु बाबा जी ने कबरां विच उतारा कीता, देख लो आपां डरदे आं कबरां तों। किते रात बराते जदों बंदा आउंदा हुंदा पिंड वल नूं, उदां साडे उधर मड़ियां कह दिंदे आ, कबरां आपां इधर सिवे कहने आ। जे किते पिंड दे बाहर सिवियां कोल दी बंदे ने लंघना होवे, किवें डरदा हुंदा बंदा भी किते कोई चिंबड़ी ना जावे, किवें लत्तां कंबदियां, लोग डरदे कहना सिवियां तों। पर धन गुरु नानक साहब जिथे भी जांदे सी सिवियां च ही बहिंदे हुंदे सी, कबरां च मड़ियां च। सच्चे पातशाह कहिंदे मड़ियां तों ना डर, मड़ियां तां सदा उडीकां करदियां ने, जिन्ना चिर मर्जी गेड़े दे ला इत्थे राजगढ़ पखवाल ताईं, इक दिन मेरे कोल ही आ के सौणा। आखो सतनाम, गोर निमाणी सड करे, गोर कहिंदे आ कबर नूं, नी करिया करिया ओ बे करिया बंदिया किधर फिरदे, इक दिन इत्थे ही आके सौणा है। सर पर मैथे आवना मरनो ना डरिया ओ, कबर कहिंदी काहदे वास्ते डरदा है,
एक दिन इत्थे आके सोए आपदे घर तो भी कोई डरदा हुंदा तू कादे वास्ते डरदा कबरां तो चलो रात नूं तां तुहानूं डर लगदा ही है कबरां च सिव्यां च तां किते बंदे नूं दिने जाणा पै जे जे कोई चढ़ाई कर जे उहदे मगर नहीं जांदे तुसीं वेख लो फिर जदों उहदा संस्कार करके सिव्यां तों वापस आउंदे हो ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਿੱਟੇ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਉਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਬੜਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝੱਗੇ ਜੀ ਦਾ ਨੀ ਆ ਗਿਆ ਝੱਗੇ ਜੀ ਨਾ ਬੜਿਆ ਰਹੇ ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਵੇ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਵੇ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਬਰ ਸਦਾ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਉਤਰੇ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਾਹਤੇ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ
पिंड दा एक सियाणा आगू हथ बन के कहिंदा महाराज बस थोड़े जे दिनां तक दुनिया दे नक्शे तों साडा शहर खत्म हो जाणा है, इत्थे रहिणा कुछ नहीं, साडा शहर गर्क जूगा। सानू आही गल दा फिक्र मारदा है। महाराज कहिंदे क्यों? पिंड दे लोकी दसदे है साडे पिंड दे फकीर ने साईं हमजा गौंस बहुत बंदगी वाले महात्मा उन्होंने चालिया शुरू कर लिया, कलाम शुरू कर ले काले कपड़े पाके, 40 दिन कलाम पढ़न गए ते जिदन उन्हों का अनुसंठान पूरा हो गया सानू पता है साडा शहर गर्क जाना होगा। शहर नू गरकाउण वास्ते नू खत्म करन वास्ते उन्होंने चालिया शुरू किया है। महाराज कहते पूरी गल दसो, एवे थोड़ी चालिया रख लिया, कोई तो गल होगी। पिंड दे लोग कहते महाराज गलती तो साड़ी भी है, आओ बैठा सेठ, इहदे घर औलाद नहीं सी हुंदी, बड़े यतन किते ने औलाद होई ही नहीं। किसे दसन वाले ने दसता कहिंदे किसे फकीर तो दुआ करा ले, फकीरां दी रब सुन लैंदा है। ये फिर हमजा गौंस जी दे चरणां च गया, महाराज मेरी दुआ कर दिओ। वो नेत्र बंद करके बह गए। आ सब तो अमीर बंदा साडे पिंड दा सेठ, इहनू कहिंदे सेठा किधरों औलाद पालना है, एक जन्म की कई जन्म तेरी औलाद नहीं होनी। ये भुब्बा मार के रो पिया, वो कहिंदे असीं झूठ नहीं बोलदे, जो सानू अकाल पुरख का हुक्म है असीं उही गल करदे हां, मैं आपदी मर्जी नाल नहीं बोलदा। फकीर दी बोली आप दी बोली नहीं हुंदी, उहदी बोली रब दी बोली हुंदी है। सिमरन करदिया करदिया जिथे तन चुप करदा एक जगह मन भी चुप हो जांदा है, उस चुप्पी तो बाद बोले बोल भगवत गीता बन जांदी है, उस चुप्पी तो बाद गाए गीत भगवत गीता, उस चुप्पी तो बाद बोले बोल धुर की बाणी। फकीर दी बोली आप दी नहीं हुंदी, रब दी बोली हुंदी है। हमजा गौंस कहिंदा सेठ जी लिखियां ने आप विधाता, तेरे भागां दियां तेरे मस्तक दियां 4 लाइनां मैं थोड़ी लिखियां, रब ने लिखियां। लिखियां ने आप विधाता बस दे विच मेरे नां, पुत्तर दी दात कोई करमां विच तेरे नां, पुत्तर दी दात कोई तेरे ना, पुत्र दी दात कोई कर्मा विच तेरे ना, पुत्र दी दात कोई तेरे। इन्नी माया जायदाद मैं की करूंगा? वो कहिंदे दान पुन कर दे, रब दी बंदगी कर, इनू किसे लेखे च ला ला। प्रभु दा सिमरन करके इत्थे सुख माणी दा,
रब की बंदगी कर, इत्थे भी सखाला हो जाएगा गां भी। चंगा ए सिमरन करना करना गुरबाणी दा, चंगा ए सिमरन करना। नाम जप बाणी पढ़ सिमरन कर, ए सेठ रो पिया महाराज मेरी इन्नी माड़ी किस्मत है। महात्मा कहंदे कोसे ना किस्मत कोई अथरू कोई केरे ना, पुत्र दी दात कोई करमा विच तेरे ना, पुत्र दी दात कोई तेरे मस्तक दियां लकीरां रब ने पाईयां, लिखियां ने आप विधाता बस दे विच मेरे ना, पुत्र दी दात कोई करमा विच तेरे ना, पुत्र दी दात कोई नहीं होना पुत तेरे। सारा पिंड रो पिया कहिंदे महाराज संतां दे चरणां च कोई रब दा नेक बंदा हमजा गौस जी दे पैर फड़ के कहिंदा फकीर साईं इहदे भागां च तां पुत है नहीं, तुहाडी जवान ते तां होऊगा, अपनी मुबारक रसना ना बचनी कर दो इहदे पुत हो जूगा। कहिंदे फकीर फिर अपनी मौज विच आ गए, उह कहिंदे भाई तैनूं सारा ही ढंग किहने दसता, ले सेठा एक पाल दे पुत होणगे दो, पर एक शर्त है दसो महाराज, एक सानू देना पऊगा, असी हो चलिया बुढ़े, आ हुण धौले आ चले सिर ते दाड़ा चिट्टा हो चलिया, गां बुढ़े हो जाणा, एक पुत सानू देना पऊगा, साडी बुढ़ापे च सेवा करूगा, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਇਹ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕੈੜੇ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਹਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੇਠ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਵਰਤਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੌੜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਦੋ, ਲੈ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹਮਜਾ ਗੋਸ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਠ ਜੀ ਪੁੱਤ ਦੋ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ
चलो बाबा जी कानू काली कर दें अजे घंटे कदा ते बचा है कुछ लाड़ लड़ा लिए साल ठहर के आ जाओ फिर लै जाओ बच्चा तो थोड़ा ही है दोनों ही थोड़े है बाबा जी आउंदे साल चले गए एक बच्चा दो सानू भाई नहीं बाबा जी आउंदे साल आ जाओ थोड़ा जा पल जान दो हजे है तो थोड़ा ही है बाबा जी आउंदे साल चले गए हर साल बाबा जी जाया करन सेठ मुकर जा करे पांचवीं छेवीं बारी बाबा जी गए सारे पिंड ने डांगा कढ लिया कहिंदे बाबा कहदा तू लोकां दे न्याणे मंगदा फिरदा लै पिंड ही बदल गया सारा पिंड दे बुढ़े नवीं गल्लां करदे लै बाबा कहदा इह न्याणे पालदा फिरदा है इह कोई छंटां वाली गल है देख लो संतां नूं तां बंदा उहदी मत्तां देण लग जांदा जिन्हों कख नहीं पता वह संतों मत यह छंत का दे है छंत च निबजता होंगी है साडा कित पंगा पै गया वह बंदे चढ़ते ही जान उत्ते चढ़ते ही जान जदों असीं कीते ना शास्त्र जे सीधे उदों ही हो गए सीधे नहीं 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 बाबा जी साधुआं च निम्रता होंगी है मैं किहड़े साधु च निम्रता तुसीं देखे ही किहड़ा साधु है ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੂੰਬਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਰਸੂਲ ਆਈ ਖੜਾ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੇ ਹੈ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਤੂੰ ਢਾਈ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਲਾਗੇ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੈ ਨੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਦੱਸ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਆਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਕੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਲੀਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ
आले दाले कहिंदे पोचा फेर दिओ असीं नहीं निकलना 40 दिन शहर गर्क जूगा चेलियां बालकियां नूं कहिंदे आ हदबंदी मैं कर दिंदा इह तों बाहर ना जायो इन्नी जगह नूं कख नहीं हुंदा आ शहर नहीं लभूगा वह बह गए फिर 40 शुरू करके सारे शहर के लोग तहां मार मार रोंदे आ धन गुरु नानक दे चरणां च सच्चे पातशाह कहिंदे फिर गलती तां तुहाडी वी है भाई क्यों छेड़दे हो फकीरां नूं तुसीं कहड़ा हटदे हो पंगे लैण वास्ते उन्हां नूं कर लैण दो रब की बंदगी पहलां होर होने हो बाद विच होर हो जाने हो चलो महाराज गलती होगी तुहातों गलती मंग लेंगे उत्थे फिर मड़ियां विच बैठे जगत गुरु नानक साहब ने सुनेहा भेजिया सी कहिंदे कह दिओ हमजा गौस नूं गुरु नानक बुलाउंदे आ तुहानूं कुछ क बंदे गए जाके पीर साईं दे मुरीदां नूं आख्या कहिंदे बाबा जी वास्ते सुनेहा आया कोई उन्हां ने हथ खड़े करते कहिंदे वी साडे च इन्नी हिम्मत नहीं बाबा जी करदे आ भगती असीं गेट खड़का दईए साडे च इन्नी हिम्मत नहीं खबरां साडा की बनूगा फिर मुड़े आए महाराज ने फिर सुनेहा भेजिया लोग फिर मुड़े आउंदे आ मरीद कहिंदे नहीं गेट खोलना बाबा जी फिर सच्चे पातशाह ने सुनेहा भेजिया कहिंदे जे पीर साईं ना आया ना जिहड़ी जगह बैठा है उहदा गुमज खिंड जूगा भांबड़ मच जाणगे जे ना आए साडे सुनेहे ते 12 बजे तक का टाइम दिने 12 बजे तक बाबा जी आ गए ना 40 छड के ठीक है नहीं गुम जी पाट मरीद गए गेट कोई नहीं खड़काउंदा जदों बज गए 12 जिथे हमजा गौस बैठे ओहदा गुमज सी जिहड़ा ना उहनूं तरेड़ आ गई खड़ाक हो गया बाबा जी दी खुल गई समाधि पता लग गया दुनिया दा मालक सियालकोट दी धरती ते आ गया खुल गया बुआ बाहर निकलदे ऐ कई दिनां दे भुखे बजुर्ग बाबे बुढ़ा शरीर काली कंबली लपेटी है शरीर दे उत्ते उहनां तों खलोता नहीं गया कंध दा ढासना ला के कंध ते बह गए ओह मरीदो ओह मैनूं पहलां दस देना सी गुरु नानक आई वेख लो जिहड़ी गुमज नूं तरेड़ आई सी सियालकोट दे इलाके च संगतां अज भी दर्शन करदियां उस गुमज नूं तरेड़ हुण भी ज्यों दी त्यों ही है जिहड़ी धन गुरु नानक दे वचनां नाल आई है उठिया नहीं जांदा बाबा जी तों चलिया नहीं जांदा कंध ते बह गए कंध ही डा के लै गए सी पहुंच गए मड़ियां विच महाराज सजे सारे शहर दे लोक बैठे है साईं हमजा गौस जाके महाराज दे चरणी टह गए सच्चे पातशाह दोपहर सूरज सिर ते आ गया गुरु बाबा जी कहिंदे फकीर साईं बड़ा साजरे आ गए हो हथ बनले नेत्रां चों जल बग पिया दुनिया दे मालका मैं साजरे नहीं आया मैं तां सारी गवा के आया हुण तां सारी ही लंघ गई उम्र बड़ा लेट हो गया महाराज कहिंदे आ दुनिया नूं सियालकोट नूं कादे वास्ते गर्क करन लगे हो ओह कहिंदे महाराज जी लोक गल कह के मुकर जांदे आ इह रहिणे नहीं चाहीदे सारी गल दसदी महाराज कहिंदे पता सानूं सारा ही है पर बाबा जी इह तां जीव गति दे लोक ने इहनां दा तां सुभाई है दात जदों मिल जांदी है दतारा भुल जांदा है दात पा के दाते नूं भुल जांदे आ लोक पर तुसीं तां रब दे फकीर हो रब दे फकीर कदे कहर नहीं कमाउंदे हुंदे ओह तां रब दी रजा च राजी रहिंदे हुंदे आ तुसीं कहर क्यों वरताउण लगे हो फकीर जी कदे कहर नहीं कमाउंदे बंदे रब दे कदे कहर नहीं कमाउंदे
राजी रहंदे ने रजा दे विच राजी रहंदे ने रजा विच राजी रहंदे ने राजा विच राजी रहंदे ने कदे कहर नी कमाउंदे बंदे रब दे कदे कहर नी कमाउंदे बंदे रब दे बंदे कहर नहीं कमाउंदे फकीरा जे आप ही आए तत्ते हो जांगे दुनिया का की बनूगा जे किते समुंदर ही तत्ता हो गया दुनिया का की बनूगा अपनी ते बड़ी बड़ी मर्यादा है ये दुनिया का की जीव गति दे लोग ने ऐन बाबा जी का सड़दा बलदा मन शांत हो गया है महाराज फिर भी ये लोग चंगे नहीं हजूर कहते गल सुनो महाराज ये सारे शहर दे विच मनमुख लोग नहीं इत्थे गुरमुख भी है जे सारी धरती मनमुखा ना भरगी चालिए करन दी लोड़ नहीं धरती आप ही गर्क जानी है ये धरती खड़ी धर्मियां दे सिर ते है हक सच ते खलोण वाले भी है धरती च आ नगर ऐवे तो नहीं बसदा इत्थे भी कोई ना कोई गुरमुख होणगे ये धरती खड़ी हुई तां नित नेमी नाम जपन वाले हक सच ते खलोण वाले जे कोई बना होगा ना नगर खेड़े च नगर खेड़ा ही गर्क जूगा ये धरती धर्मियां सिर ते खड़ी है वो कहिंदे महाराज मैं नहीं मनदा इत्थे कोई नहीं रब नूं मनदा हजूर फिर कुछ कमाया भाई मरदाने नूं फड़ाउंदे आ कहिंदे जाई बाजार च सच ते झूठ खरीद के लिया सारा शहर बैठा हम जा गौंस बैठे है दोपहर टिकी लै मरदाना तुर पिया शहर वल सच ते झूठ लभदा फिरदा हुण कित्थों मिले सच कित्थों मिले झूठ एक बाणिया दुकान ते बैठा कपड़े वेचदा है ओनू कहिंदा सेठ जी सच ते झूठ चाहिए वो समझ गया ये फकीर लोकां दी कोई रम जाए दे विच वो कहिंदा लियाओ मैं दिना उन्हें कागज कलम लिया उत्ते लिखता मरना सच ते जिउणा झूठ है ब्रह्म सत्यंग जग मिथ्या सच अकाल पुरखा संसार सारे झूठ है सरकण दा नाम ही संसार है जग रचना सब झूठ है जान ले होरे मीत आही ब्रह्म ज्ञान है जिथे जाके संसार तेनू झूठा लगन लग जे रब सच नजर आउण लग जे यही ज्ञान दी स्टेज है सरकण दा नाम संसार संसार सरक रहा है बदल रहा है हरेक चीज
आपदे विनाश की ओर जा रही है। हर चीज भावे जड़ भावे चेतन आपदे विनाश वाल तुरी हुई है। खलोता कुछ नहीं इतने देख लो किधर गया बचपना अपना। आ गई जवानी इन्हें कड़ा खड़ी रहना आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा कड़ा टिकद फिर वीजा सिरे दे ही लग्या होंगे। हर चीज चलती है। हुण आ जिहड़ियां जड़ चीजा ने यह भी आपदे विनाश वाल चली है। आ लोहे दियां बनियां गड्डियां आ लकड़ दे बने बक्से ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੌ ਸਾਲ ਲੰਘੂ 200 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਹਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਲੱਕੜ ਵੀ ਗਲ ਜੂਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਕੱਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅੰਗ ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆਪੇ ਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਈ ਪੂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ ਜਲਤੇ ਜਲਤੇ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਦਮੀ ਕਾ ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਮ ਨਾ ਰਹੇਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹੇਗੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਤਾਇਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹੇਗੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਕਾ ਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਜਰਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਮਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਮਾਰ ਲਕੀਰ ਹੋਏ ਮਨਾ
ਛੱਡ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਉਹਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਠਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਠਿਨਾਈ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਠਿਨਾਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤਾ, ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ,
पुराने महापुरुष जदों विद्या पढ़ाते सी पहला कई ग्रंथ पढ़ाते सी मोख पंथ अध्यात्म रामायण सार कतावली भाव समृत प्रकाश विचार सागर ये कई ग्रंथ ने यह पढ़न तो बाद फिर भाई गुरदास जी दे कवित फिर बारह फिर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा संथ्या गुरबाणी दे अर्थ इन्ना कुछ पढ़न तो बाद अज आला कम नहीं भी बस सीधा ही दो पंगतियां पढ़ लिया पिंड च किसी नूं गल ही नहीं आउण देनी आए नहीं इहदी मर्यादा है भाई गुरदास जी दियां बारां कला कला कवित संस्कृत विच है फिर किते बाणी दे अर्थ हुंदे है गुरु बाबा जी कहिंदे है भाई गुरदास जी दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दी कुंजी है हुण तुहानूं पता भी जिंदा कुंजी नहीं खुलदा जिंदा कुंजी नहीं खुलदा हुंदा भाई एवें मन जाने हो सबल पा के भी तो तोड़ी दे दे कौन कहता कुंजी ना खुल दे सबल नहीं तोड़ दे पर जेड़ा सबल पा के तोड़ोगे वो मुड़ के किसी दे कम नहीं आता इसे तरह भाई गुरदास जी नूं पढ़े तो बिना जे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के अर्थ करोगे वो ना तो करन वालियां दे पले पैने ना सुनन वालियां दे पले पैने अज का हाल यही है अज पता ही नहीं किसी इन्हों गलों का भाई गुरदास जी दी बारां भाई गुरदास जी दे कवित कोई जानता ही नहीं पुराने महापुरख सारा कुछ पढ़ाते फिर कितने बाणी के अर्थ होंगे अजकल ये चीजा आप छड़ गए ता ही तो अपने पले नहीं कुछ पैंदा पर हुण जमाना इहोजिहा है जिहदा उपरों उपरों गल्लां मारियां ते सरे जिहदा निंदिया करी ते सरदा उहने की लैणा ग्रंथां तों जिहदी कणक उई काली है कहनू यूरिया पाउणा है उहनूं लोड़ ही नहीं पैंदी एवें अज दा समां इहोजिहा आ पिछे जिहा आ नैट दे उत्ते इक बहुता ही सियाणा वो करे उहने वेख ले साडे निर्मले संतां दी फोटो आनंदपुर साहिब दे मेले ते लै आ के पंज प्यारियां दी धोतियां ला दियां ने वो निर्मले संतां नूं पंज प्यारे कही जांदा बहुत ही सियाणे पैदा हो गए ये नहीं पता है निर्मले महापुरश कलगीधर जी ने पौंटा साहब की धरती तो पंज सिंह भगवे कपड़े पा के भेजे सी काशी उन्होंने फिर वेदा शास्त्रां की विद्या पढ़ी हरेक भाषा सीखी फिर वो वापस आए सच्चे पातशाह कहिंदे हुण प्रचार करना तुसीं वह फिर वेख लो निर्मलिया संतां ने प्रचार किया उन्होंने हरेक भाषा आउंदी हुंदी है हरेक विद्या उन्होंने कोल हुंदी है अपने नगर विच भी बड़े महापुरश होए है बाबा मेहर सिंह महाराज राजगढ़ वेख लो उन्होंने जिहनूं भी पढ़ाया वह ब्रह्म ज्ञानी बनिया जिहनूं भी विचार सागर पढ़ा देंदे सी वह ब्रह्म ज्ञानी बनता सी विचार सागर ओदा साडा लाणा इहनूं पहाड़ सागर ही कहिंदा हुंदा है भई इन्ना कठन है वेदांत दा ग्रंथ विचार सागर भाव समृत प्रकाश प्रबोध चंद्र नाटक उहदे विच इक कथा आउंदी है उत्थे दो राजयां दी जंग है एक पासे मोह राजा सेना लई खड़ा है दूजे पासे विवेक राजे की सेना है दोनों ही लड़ते हैं जंग चली गई जदों मोह राजा हारन लग्या लै क्रोध आके रल गया इहदे नाल कहिंदा क्यों घबरदे आपां भरा दोने लै मैं तेरे नाल मोह कहिंदा तू की कर देगा क्रोध कहिंदा मैं भरावां तों भरा मैं मरा दिंदा प्यो तो पुत मरा दिना मैं चलद ना केस कचहरिया च सकिया भरावान दे ये सारे मेरे पुआड़े है आ घर दिया लड़ाइया मैं ही करा
आ पिंडां दीआं लड़ाईआं मैं ही कराउंदा, होर किहड़ा करा जांदा इत्थे। भरावां तों भरा मरा देईदे ऐ, प्यो तों पुत मरा देईदे ऐ। मैं तेरे नाल आ, रल गया क्रोध। कई कट्ठे हो गए दूजे पासे विवेक राजा। जदों विवेक हारदा दिसिया, इहदे नाल फिर ज्ञान आ के रल गया। जदों ज्ञान रलिया, ये सारे ही फिक्के पै गए। फिर जद भजन लगे, ज्ञान राजा कहिंदा भजो ना साडे नाल रल जवा के। तुहाडी तसीर ही बदलनी है, बंदे माड़े नहीं, तुसी थोतों भी कम लै लैना असी, आ जाओ साडे नाल। वाह, फिर जिहड़ा हारिया हुंदा हथ बन्नी खड़ा हुंदा, उहने नाल ही रला ले ज्ञान राजे ने। एक कथा की है, तुसी समझ ही गए, क्योंकि उत्तम स्रोते बैठे आ इत्थे बहुत। मैनू वेखदिआं नूं कई दिन हो गए, तुसी सुणदे हो गल्लां, तुसी बड़े बड़े महापुरखां दे दर्शन कीते। ओह इलाका इह राड़े वाले महाराज दा इलाका है, आ बाबा आनंद सिंह महाराज दा इलाका है। इत्थे उत्तम स्रोते है। ਇਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ, ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ? ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਕੱਲਾ? ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ। ਆਹਾ ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿਵੇਕ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਇਕੱਲੀ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਅਣਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਣਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ
उदों ये सारे अनुकूल हो जाते हैं, फिर वो इन्हों तो भी कम ले लेंगे। ये पंजे वकार जदों तेरे अनुकूल चल पैणगे माड़े नहीं, ये तेरी जिंदगी सवार देंगे। ये मोह दा जाल, मोह दी सेना, ये तो बचदा कोई नहीं। मूला धन गुरु नानक दे नाल तुरदा फिरदा, इहनूं घर ही याद आई जांदा है। डरदा कहिंदा है नहीं महाराज नूं, किसे ने एवें खबर देती इहदे कन्न च जाके, कहिंदे मूलिया तू महाराज नाल तुरिया फिरदा है, वो तेरी घरवाली नूं किसे ने कहता भी मूला मर गया है, वो सती होण नूं फिरदी है, उन्हें अग ला के मच जाना। बस फिर मूला ताहा मार मार रोंदा, कहिंदा हुण की बनूगा। तानू गुरु नानक नूं कहिंदा जी मैं तां घरे जाना, हजूर कहिंदे चलिया जा फिर, नहीं जी मेरी घरवाली मर जूगी जे मैं ना गया। हजूर कहिंदे नेत्र बंद कर, इन्हें नेत्र बंद किते। महाराज कहिंदे घर जाके ब्रह्म अभ्यास ना छड़ दी, आ जिहड़ा सुरत शब्द दा अभ्यास तैनूं दस्से करदा ही रही। अखां बंद करे ने अखां बंद कीतियां, कह सतनाम, जद इहने सतनाम आखिया अखां खोलदा अपने घरे बैठे मूला। लै बागो बाग हो गया इहदा परिवार, वे शुकर आ कहिंदे मूला आ गया बाबिआं तों नालों, असीं तां कहा सी वी इह नहीं हुण आउंदा, जिन्हें खा ली बाबिआं दी दाल उह कित्थे रलदा घरदिआं नाल, ये बाबिआं दी दाल ही इहो जी है, जिहड़ा खा लैंदा उह कित्थे घरे रहिंदा हुंदा। लै मूला घर पहुंच गया, कुछ समां ते ब्रह्म अभ्यास करदा रहा, बंदगी करदा रहा, सिमरन करदा रहा, बाद विच हौली हौली नितनेम छड़दा 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 सारा कुछ ही छड़ गया। वेख लो आपां भी आई करदे हां, जदों कि नवा नवा अमृत छकदे हां उदों तां गवांढियां नूं भी वक्त पा दिंदे हां, दो बजे बाल्टी खड़काउंदे हां उदों तां, ते थोड़े जिहे दिनां बाद बस फिर सब कुछ ही हौली 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 बदलदे बदलदे पूरे बदल जांदे आ हौली हौली। कोई संत अमृत छका गए किसे नूं, उह चलिया गया घरे, उहदी घरवाली कहिंदी आ की बण के आ गया, नहीं नहीं मैं अमृत छकिया बाबिआं तों, उह कहिंदी कोई ना मैं हौली हौली लहाई देना सारा कुछ, उह कहिंदा मैं रख के दिखाऊं अमृत, उह कहिंदी मैं तड़ा के विखाऊं। लै दोनां दी खड़क पई, हौली हौली समा बदलिया। लै जदों बीबी धार कढे मझ नूं डरा दिया करे, मझ लत मारिया करे, उह कहिंदा घर दी पाली कट्टी मेरे तों कहदे डरदी है, उह कहिंदी तेरे कशहरे तों डरदी है, इहने देखे नहीं कदे एडा कशहरा पाया। लै हौली हौली इक कार इक इक करके सारे लहा दे, मुंडे नूं चक्किया आपदे बच्चे नूं छोटे जिहे नूं, उह कोले खड़ी चूंडी बढ़ दिया करे, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਹਤੇ ਡਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਲਹਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਸ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਬੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਤਿਹਾਂ ਬਾਬਿਓ, ਇੱਥੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਮਿਲ ਸਕ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਮੂਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਵਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੂਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੁਕ ਜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਹੀਰੇ 'ਚ ਲੁਕੋਤਾ ਮੂਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਝ ਜੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਬੂਆ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲਾ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਮੂਲਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਲੁਕਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੂੰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲਿਆ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੁਕਦੈ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਲੁਕਦੈ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੂਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਹੀਰੇ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਮੂਲਾ ਐਂ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਡੰਗ ਸੱਪ ਨੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਹਾਏ ਓਏ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਹ ਬੋਲ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ
कुदरत आपकी मर्जी ना नहीं तुरी फिरदी, इहदे पिछे जिहड़ा कादर है उहदी मर्जी ना चलदी। हाँ उहदा सिस्टम इहो जिहे हिसाब नाल फिट करता अकाल पुरख ने, उहनूं बार बार सिस्टम फिट करन दी लोड़ नहीं। जो कुछ उहने एक बारी बनाता जो कुछ पाया सो एक बार, वह कई युगों तो चलता एवें चलता रहना है। जिहड़े सिस्टम बंदे ने बनाए है कोई सही चलता भी देखे तुसीं, ट्रेना बंदिया ने बनाई है कोई टाइम ते आउंदी भी देखी है तुसीं, बसां दा सिस्टम किने बनाया बंदिया ने बनाया कोई टाइम ना भी आउंदी है। जिहड़े सिस्टम रब दे बनाए है किवें इधर उधर हो जाणगे, आ सूरज रब दा बनाया होया किधर भजूगा, आउंदे आ बदल बुदल एक अद्धा दिन लपो लैंदा फिर उवें चमकदा है। चंद्रमा ये एड्डी वड्डी लाइट रब ने फिट कीती है, किहड़ा बुझा दूगा इहनूं। जिहड़े सिस्टम निरंकार ने बनाते उहनां 'च कदे विघन नहीं पैंदा हुंदा, बंदे दा बनाया सिस्टम कदे चलदा ही नहीं हुंदा, विघन ते विघन ही हुंदा इहदे 'च। लै मूले दे मारिया डंग नाल ही सप ने, सप किते आपदी मर्जी नाल नहीं तुरिया फिरदा, उह वी रब दी मर्जी नाल चलदा है, जगत गुरु नानक दी मर्जी नाल तुरदा है। गिट्टे ते सप लड़ गया, दहाइयां पै गईआं, महाराज पिंडों बार बार ठंडी छां दरख्तां दी उत्थे सज के जाके हुण फिर मूला लटदा है। इहदी घरवाली भुब्बा मार मार रोंदी है, नहीं जी मैं तां तुहानू बचाउणा ही सी बाबिआं तों, कहिंदा चंगा बचाया मैनू, दुनिया दा मालक मैनू बाजां मारदा रिहा, तूं महाराज नूं बूहे तों आई मोड़ता। सप दी जहर चढ़ गई, पिंड सारा कट्ठा हो गया, सपेरे इलाज करन वाले वह भी सदले, बड़े यतन करे उन्होंने, ये डॉक्टर वैद ये भी आपकी मर्जी ना कुछ नहीं करते, पिछे ताकत रब की ही होंगी है, वैद की कर लेंगे डॉक्टर की कर लेंगे। सारे हथ खड़े कर गए, कहिंदे हुण इहनूं बचा नहीं सकदा कोई, पिंड दे लोकी कहिंदे गुरु नानक साहब पिंड च ही बैठे आ जंगलां च पिंडों बाहर, उहनां कोल लै जाइए उह कृपा कर देणगे। लै पिंड दे लोकी चक के मूले नूं धन गुरु नानक दे चरणां च लै आए, चलो महाराज माफ कर दिओ, तुहाडी सेवा करदा रिहा है। सारा परिवार भुब्बा मार मार के रोंदा है, अंतम साहां ते पिया मूला, कहिंदा जी मैनूं बख्श लो, गुरु बाबा जी कहिंदे हजे नहीं बख्शदे, तैनूं मनमुख ताई दा दोष लग्गिआ मूलिआ, जिहड़ी विचार आपां शुरू कीती सी जे को गुर ते बेमुख होवै, तूं बेमुख होया ते सातों बिना किवें बख्शिआ जाएगा, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर। हाँ कहिंदा महाराज मैं हुण तुहाडे चरणां ते टह गया, हुण बख्श दो हजूर। कहिंदे तरीक पाउणे आ तेरी, समां दिंदे आ तैनूं, बख्शांगे जरूर, तूं अखीर दे समें साडे दर्शन कीते इहदा फल तैनूं मिलूगा, इहदा फल देंगे, बख्शांगे तैनूं, आ जामे च नहीं आउंदे जामे च भी नहीं, उदों आउंदा जामा भी नहीं, चौथा पंजवां छेवां ना ना दसवां जामा तारांगे, वखरा ही सरूप होगा साडा, जंग युद्ध करांगे, हाथी घोड़ियां दी सवारी करांगे, शस्त्र सजावांगे, वाज भी रखांगे, कलंगियां भी सजावांगे, शिकार भी खेडांगे, बादशाहां वाले चोज करांगे। मूलिया दसवें जामे दे विच आके तेरी छाती च तीर मार के तेरा पला करांगे, उहनां चिर टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां जी भड़कदा रहेगा, अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए, बड़ियां जूनां ते जाणा पऊगा, बख्शांगे तां सही तैनूं, तरीक पाउणे आ। सारा पिंड हथ बन्नी बैठा है, उहदी घरवाली फिर ताहां मारदी है, सच्चे पातशाह मूले नूं कहिंदे आ, मूलिया बख्शांगे
भला तेरा होगा। बख्शांगे तैनू दस में जामे दे विच बख्शांगे तैनू दस में जामे दे विच बख्शांगे दसवें जामे दे विच बख्शांगे तैनू दसवें जामे दे विच जामे जाके तेरा भला होगा। साडा दसवां जामा शाही पोशाकां पहन के आवांगे, बाज ताज तीर मारांगे, जंगल बियाबान सहे दी जूनी च भजिया फिरदा होएगा तो उदों तेरा भला होगा। खेडण शिकार जदों मांगे तैनू दसवें जामे दे विच बख्शांगे तैनू दसवें जामे दे विच शिकार। कई कहते हैं महाराज ने शिकार किया है, शिकार नहीं उन्होंने उधार किया है। किसे दे केड़ा तीर मारता, किसे दे केड़ा मारता, किसे दे शब्द का तीर मारता है। किसे दे पावन पखे चो कढ़ के महाराज ने आए तीर मार के भला करता है। शिकार नहीं खेडिया महाराज ने उधार किया मूलिया। खेडने शिकार जदों आवांगे तैनू दसवें जामे दे विच बख्शांगे तैनू दसवें जामे दे विच खेडने शिकार जदों आवांगे चिर भड़कदा रहेगा टेढ़िया मेढ़िया जी। तू ब्रह्म अभ्यास छड़ के मनमुख हो गया, असी ते बड़ा तेनू सीधे राह पाया सी, पर तू अभ्यास छड़ता। हुण जे तां अमृत छक के अमृत वेले नितनेम करदे रहांगे फिर तां अमर पदवी तक चले जावांगे।
जे छड़ गए फिर कख नहीं पले पऊगा। ये जिहड़ा पंज बाणियां दा नितनेम गुरु बाबा जी ने क्यों बनाया, ये सारा ब्रह्म अभ्यास ही है। हुण मैं कई बारी ब्रह्म अभ्यास बोल गया, ब्रह्म अभ्यास बोल गया, कईआं ने कहना बाबा जी शास्त्रियां वाली बोली बोलदे, वेदांतां वाली बोली बोलदे। ब्रह्म अभ्यास ये पंज बाणियां दा नितनेम ब्रह्म अभ्यास ही है। जप जी साहब पढ़द्या पढ़द्या तू निरंकार नूं सामने बहा लैणा जे किते अंदरों जुड़ जाए जप जी। जदों कोई साढ़े सामने आके खलो गया ना फिर उन्हूं आपां नमस्कार करदे हुंदे आ, जां उन्हूं फतेह बुलाउंदे आ, जां सति श्री अकाल करदे आ, जां उन्हूं सलाम करदे आ जदों कोई सामने आ जाए आपणे। इसे वास्ते महाराज ने दूसरे नंबर ते जाप साहब रखिया, ये नमस्कार भगती है जाप साहब दे विच। किते अंदरों जाप साहब ना जुड़ जाए, किते जाप साहब नूं अंदरों पढ़ लें रब नूं नमस्कार करके उठेगा। आ तुसीं फोटोआं वेखदे हो कलंगीधर जी दीआं, ये वारी दर्शन है। जे किते अंदरों बाजां वाले देखणे आ जाप साहब ना जुड़ जाए, ये कलंगीधर दे अंदरले दर्शन है। जे धन गुरु नानक अंदरों देखणे आ जप जी ना जुड़। आ फोटोआं बणीआं वेखदे हो बंसरी कोल है श्री कृष्ण महाराज की फोटो किन्नी सोहनी है। जे किते अंदरों कृष्ण देखने आ पावन गीता ना जुड़ जाए, 18 अध्याय कृष्ण जी दे अंदरले दर्शन है। जे अंदरों वेखना है फोटोआं बनदियां ने, वेखदे हो कबीर जी महाराज की फोटो बड़ी सोहनी लगी है, रविदास महाराज की फोटो बड़ी सोहनी लगी है, ये बाहरले दर्शन है। जे किते अंदरों कबीर वेखने आ बाणी ना जुड़ जो, ये अंदरले दर्शन है। किते अंदरों गुरु रविदास वेखने है आ बाणी ना जुड़ जो, ये अंदरले गुरु रविदास जी दे दर्शन है। जदों कोई सामने आके खलो गया फिर आपां नूं नमस्कार करदे हैं। इसे बात वास्ते जाप साहब की बाणी दूसरे नंबर ते है, इह च नमस्कार भगती है। उदा एक बारी मैं गिण लग्या सी वी किन्नी क वारी नमस्कार है, मैनू दिन तां कई लग गए सी, ये नहीं भी मैं 100% सही होऊंगा, मेरे हिसाब नाल 11 100 बन गया सी, ये नहीं भी मैं पूरा ही सही हाँ, पता ही नहीं किन्नी क वार नमस्कार है। ये जे कोई सामने आके खलो गया उन्हों नमस्कार भी करती, फिर तीजे नंबर ते की करते होंने आप, फिर तीसरे नंबर ते उहदी वडियाई करी दी है। जी तो कुछ लैना हुंदा ना उहदी वडियाई करी दी है, बिना वडियाई करी तो कुछ मिलता नहीं हुंदा, बिना वडियाई करी तो कोई मंग भी ट्राली नहीं दिंदा, होर की लै लोगे। देख लो जी तो ट्राली मंगनी हुंदी है पहलां जाके कहना ही पैंदा वी तेरियां मझां बड़ियां सोहणियां है सरदार जी, थोड़ी कोठी तो राजगढ़ तो दिसदी है। लै बंदा उहदे खुश हो जांदा है, उन्हें फिर जे कहोगे भी ट्राली चाहिए सी उन्हें कहना ट्रैक्टर भी लै जाए, किसी तो कुछ लैना उहदी वडियाई करनी पैंदी है। किते सीधा ही जाके कह दिओ वे जथेदार जी, सरपंच साहब स्टेज ते बैठे, वे जथेदार जी ट्राली चाहिए है, उन्हें कहना यार चू चू कर दी, उन्हें पहले ही जवाब दे देना। सीधा ही किसी तो जाके मंगोगे तो कोई मंगया सुहागा नहीं दिंदा, लोग पहले ही कहते बैरिंग टुटिया होया भी सुहागिया के कि बैरिंग होंगे, लोग जवाब दे देंगे। उपमा करनी पेगी जे किसी तो कुछ लैना होंगे, रब खलो गया उन्होंने नमस्कार करती, फिर तीसरे नंबर की बाणी कही है वह सवैया का पाठ है। कोई करमा भागा वाला होगा कलगीधर जी की मुबारक रसना 10 सवैये जिहड़ा थोड़े चो रोज नितनेम करता होगा सवैया का, कोई करम वाला होगा तीसरे नंबर ते महाराज ने सवैये रखे हैं। ये रब की वडियाई है। वेख लो फिर जे किसी की वडियाई कर दिए बंदा हो जाए खुश, फिर वह मौका होंदा भी वह तो कुछ मंग लिए। इसे वास्ते महाराज ने चौथे नंबर से चौपाई साहब का पाठ लिखा, ये मंग ही मंग है बस। ते जदों कोई साड़ी मंग नू मन ले फिर ओदा धन्नवाद कही करीदा, फिर कहीदा भी आनंद हो गया,
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਵੇਂ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਦਾ 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 ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਹਰੇਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰਪ ਜੂਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਪਊ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਏ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਾਏ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਜੋਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਈਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਹਜੇ ਨਿਆਣੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਥਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਮਨਾ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਭਾਈ
तैनू सप बनना पै जूगा जे बहुत ही माया माया कर लग गया। फिर मुक्त किवें होएगा? महाराज कहिंदे ने अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसै। जे किते अखीर दे टाइम तैनू रब याद आ गया लै सीधा सचखंड ही जाएगा। हुण बालिया ने सोचना भी ये तो फिर मौज ही बन गई, सारी जिंदगी लोड़ ही नहीं रब का नाम लैण की, अंत समा आऊगा उदों कर लांगे हरे राम। तुसीं कहोगे ये तो फिर मौज ही बन गई, पर ना ना, जे तू सारी जिंदगी रब का नाम नहीं लिया अखीर दे टाइम तेरे रब चेते नहीं होना, कुछ होर ही चेते आऊगा। वेखे नहीं बड़े मरदे घरां च जदों अखीर दा टाइम आउंदा है, जदों चमचा पाई दा अंदर नूं ते बाहर नूं आउंदा हुंदा है, उदों भी मंजे ते पए करदे हुंदे आ कनेडा वाली कुड़ी नूं छड्ड लो, गलां वाले मुंडे नूं छड्ड लो, मैं दो गल्लां करनियां। हुण तूं किहड़ियां गल्लां करनियां? हुण तां रब नाल गल्लां कर। देखे नहीं बड़े अखीर दे टाइम कानूं रब याद आउंदा उदों? साढ़े उधर ना एक बापू मंजे ते पिया ते किसे दे गमांड ब्याह सी, न्याणिया ने डीजे डूजे लाते। वह मैं कहा चल बापू ढिला इहदा गेट भेड़ दे। वह कहिंदा काहनू भेजना है? कन्न छफले कर दिया कहिंदा छने तूंबे आउण दो अंदज, कोई कन्न ही छफले हो जाणगे। काहनू रब याद आउंदा अखीर दे टाइम? उदों सुरत तेरी रब नाल नहीं जुड़नी, जो कुछ जिंदगी च कीता तैनू उही कुछ चेते आऊगा। इसे वास्ते महाराज कहते पहले ही तैयारी कर, अखीर दे समय तैनू रब याद आ गया सीधा मुक्त हो जाएगा, सचखंड जाएगा। वेख लो फिर मूला चढ़ाई कर गया, समा बीतिया, टेढ़िया मेढ़िया जूनां च घुमदा घुमदा सहे दी जून तक पहुंच गया। हजूर साहब नरे नदेड़ साहब की पावन धरती, घना जंगल, कलगी धर फिर मुबारक चरण उत्थे पौंदे है। महाराज ने शस्त्र बस्त्र सजा ले, सिंह नाल ने महाराज दे, जंगलां वल सच्चे पातशाह शिकार वास्ते तुरे। सच्चे पातशाह नूं वेख के सहा पहला झाड़ी चो निकलिया। जद महाराज ने कीता ना तीर सीधा, भज के दूजी झाड़ी च बढ़ गया, फिर तीजी झाड़ी च बढ़ गया। महाराज होर अगे चले, उदों गां फिर लुकदा, फिर लुकदा लुकदा। सिंह कहिंदे महाराज तुहानूं देख के लुकदा क्यों है? सच्चे पातशाह कहिंदे आदतां नहीं छड्डदा हुंदा बंदा, इह उदों भी लुकदा सी हुण वी लुकदा है सातों, असीं तां उदों ही कृपा कर देनी सी, इही लुक गया, इह हुण वी लुकदा फिरदा है। आए मुबारक पखे चो कढ के तीर महाराज ने जदों सीधा कीता, लै लुकला किन्ना क लुकदा है। भज्जिया जांदा जांदा मूला महाराज ने इहो जिहा तीर मारिया, आए आर पार करता उहदी छाती च। सहकदे अंतम साहां ते पिया महाराज कोल खलो के जाके सज के कोल उहदे। वेख लो फिर महाराज दा तीर वज्जिया, उहदे शरीर चों आत्मा निकलदी है, महाराज नाल गल्लां करदी है, महाराज कृपा करती तुसीं, हुण मैं चलिया वैकुंठां नूं, उतरिया भवान, तुहाडा तीर वज्जिया मेरी छाती च, मैं अज मुक्त होया है। बड़े दुख झले आ जूनां च, टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां च, पर तुहाडे तीर ने मैनू अमर पदवी ते पहुंचाता है। हुण मैं बवाना च बह के सचखंड जा रहा, मैनू मुक्त कीता तुसीं। आपां विचार आरंभ कीती सी, जिहड़ा मनमुख हो गया, गुरु नूं भुल गया, बेमुखताई दा जिहनूं दोष लग गया ना, अनेक जोनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पावे। भावें कई जूनां टेढ़ियां मेढ़ियां च बंदा घुमदा रहे, अखीर मुक्त गुरु साहब दे कोल वा के हुंदा है। मनमुखताई दा दोष इत्थे आ के लैंदा हुंदा है जदों तू गुरु नाल जुड़ जाएगा।
आही विचार आपां लेके तुरे सी। जिंदगी लंघदी जांदी है, समा बीतदा जांदा है, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जेड़ा तीर एक बारी कमान चो निकल गया वो कदे वापस नहीं आउंदा। जिन्ना समा जिंदगी दा लंघ गया कदे वापस नहीं आउंदा। महाराज कहिंदे रहिंदे नूं सफल बना लैंदे नहीं, समा लंघदा जांदा है, बेड़ा बंध ना सके वो बंधन की बेला, पर सरबर जब उछले तब तरन दुहिला। किते पहला तू तैयारियां करदा, तेरे ते कृपा हो जानी सी, उदों तू समय की संभाल नहीं की, सवासां नूं आई गवाता पै। किसे बीबी नूं किसे राजे ने तिलां दा कोठा भर के देता, बेबे लै मौजां करी खाई जाई पी जाई। वो बेबे ने नवा ही कम तोर लिया, भर भर के बुक आई तिल बंडी गई, ते जदों तिल मुक गए ओहो मैनू तो पता ही नहीं सी कदे मुक भी जाणगे। फिर बैठी रोंदी है, बाबा फरीद जी कोल दी लंघे कहिंदे जे जाना तिल थोरड़े। किते पता हुंदा ना तिल थोड़े है ता संभल बुक परी। मैं संभल संभल के बुक पर नहीं सी। जे जाना सोहन डड़ा ता थोड़ा माण करी। किते पता हुंदा तिल मुक जाने है, मैं बुक संभल संभल के पर नहीं सी। मैं तो ऊई डातियां फतियां हुण मैं ताहा मार दियां। वेख लो बाबा फरीद जी सानू समझाउणा की चाहुंदे है, आ शरीर रूपी कोठा है ये सानू तिलां दा भर के सवासां दा भर के रब ने इत्थे भेजता है। आपां नूं पता ही नहीं बुक भर भर के लुटा दे, इहदे नाल ताशां ही खेडियां आपां, आए खुंडां ते बह बह के बस गल्लां ही करियां, आई डा ते सवास आपां। मैं सुणदा उहनां गल्लां तुहाडियां, कई कहिंदे आ टाइम नहीं लंघदा टाइम नहीं पास हुंदा है। जे कहीए माड़ा मोटा नितनेम कर लिया करो, इन्ना टाइम कित्थे कहिंदे रब वास्ते टाइम नहीं तेरे कोल, ओदां तू टाइम आई गवाता है, अपने सवासां नूं तू इदां ही गवाई जांदा है। ये तिलां दा भरिया कोठा जदों फिर मुक जाणगे फिर ताहां मार के रोवेगा। जिवें बाबा फरीद जी कहिंदे ओह बेबे रोंदी है ना, जे मैं जाणदी तिलां ने मुक जाणा, आपां भी फिर उदों विचारदे आं भी जिंदगी पता नहीं किहड़े वेले आई अपने शरीर च, जिंदगी आ के चले भी गई ते आपां नूं पता ही नहीं लग्गिया। आपां जिंदगी बनाउंदे बनाउंदे जिउणी भुल गए, अज इह हाल है आपां। जिंदगी बनाउंदा बनाउंदा बंदा जिंदगी जिउणी भुल गया, जिंदगी दी असलियत तों बड़ा दूर चलिया गया। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤਿਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਪਾਰੀ। ਜਾਣਦੀ ਤਿਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਪਾਰੀ। Thank you.
भारी दी जान दी दिला ने मुक जा संभल संभल मुक भारी पता हुंदा तिल मुक जाने मैं संभल के बुक भर लेने सी जे जाना तिल थोड़े तो संभल बुक भरी संभल संभल के बुक भर लेने मैनूं तां पता ही नहीं सी मैनूं तां मुकियां ते पता लग्या आ सवास तेरे मुक रहे है घट रहे है अखीर दे समय तू बचारेगा उई लंघी जिंदगी रहिंदे समय नूं सफल बना ला इहनूं रब दी बंदगी च ला दे इस दुनिया में जीव अपना कोई बहलाए के मर गया दिल तंगियों में कोई उकताए के मर गया अकल भी अपने आप को समझाए के मर गया कोई सुख पाए के मर गया कोई दुख पाए के मर गया जीता रहा ना कोई हर एक दुनिया में आए के मर गया चले सारे ही गए ओ दिन आउण तो पहला महाराज कहते जा जदों कोई चढ़ाई करदे फिर तुसी गल्लां करदे हुंदे हो भी फलाने नूं मेंटी लगे है भी तैनू कड़ा तीन महीने लगने आ तैनू भी मेंटी लगना है सुनिया गल्लां फिर बुढ़े गल्लां करदे हुंदे ला बख्शीश आई तुर गया भाई दस्सिया ही नहीं भी तू कड़ा कार्ड मंडदा फिरेगा तू भी आई तुर जाना बुढ़िया गल्लां करदे हुंदे लै नहीं जगीर आई तुर गई भी तैनू कड़ा कार आनी है तू भी आई तुर जाना ये बुलावा आई रब भेज दिंदा है सो ओ दिन आउण तों पहला महाराज कहिंदे जा आओ हुण आपां जिथों विचार शुरू की सी समाप्ति वल चलदे आ सो महाराज ने बहुत कृपा की तीन दिन आनंद वजे अज तीसरे दिन का आनंद आपां माण रहे हैं ते उदा मैं सुनदा सवेर दा कई साडे सैकटरी साहब कई कीर्तन करन वाले भी कही जांदे आ भी अज बाबा जी का आखिरी दवान है वो मैं कहा मेरा कानू आखिरी दवान है इस पंडाल का आखिरी दवान है मेरे ते हजे कृपा रख दियो मैनू तो होर सेवा कर लैन दियो मैं सुनदा सवेर दा बाबा जी का आखिरी दवान अज मैं कहने मेरा नहीं आखिरी कई बाबे भी कहते होंगे लै बई आ धारना पढ़ के मेरी समाप्ति है लै मगरों घर में तुर जाते भरावा तू तो समाप्त हो गया सी मैं कहना चलो इस पंडाल की अज आप समाप्ति कर देनी है तीन दिन आनंद वजे है बहुत प्यार संगतां ने बिखाया भाई सारा इलाका इकट्ठा हो गया सारे पासे राजगढ़ राजगढ़ ही होंदी है इन्ने फोन आउंदे आ बाहरले मुल्कां चों मेरे तो सुन नहीं होंदे फोन फून बंद करके मैनूं सौणा पैंदा पैंदा इन्ना प्यार संगतां दा कित्थे तक फोन आउंदे आ बड़ी दूरों संगतां आईआं सब दा ही धन्नवाद है भाई इसे तरह संगत प्रबंधक सारा नगर कहिंदा बाबा जी पक्के ही दवान कर दिओ इह पक्के ही चलो आप हर साल पक्का ही समागम रख देना है सत श्री अकाल लै भी दवाना की खुशी च जकारा लगे सत श्री अकाल भाई बीबीओ थोनों नहीं खुशी कोई हाँ लै वाह मैं क्या भी बीबिया तो खुश जी नहीं हुई दवाना का ना सुन के चलो भी बीबिया ने भी सहमति प्रगटाती भाई बीबीओ तो हाथों बिना कहू पंडाल भरते है लंगर प्रशादे का तुम बनाने होंगे ये तुहाडे सिर ते ही एडे एडे समागम सिरे चढ़ते हैं बाली संगत को तुम भी लै आनी आनी हो आपके घर वाले दबके दुबके मार के भी चल उ दवान सुन जाके ये तुहाडा दबका चल जाता कई बार चलो कई बेचारे डरते होंगे है चलो डरना भी पैंदा है भाई दो प्रशादे तो इधरों ही लेने आप डरना भी पैंदा पर कई बाले डरते होंगे आ साडे ना एक सिंह है हुण तां आया नहीं वह उत्थे साडे डेरे मैं लड्डू का प्रशाद वंडदा सी मैं क्या चल संगत बाली तू बरता दे
ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਰਤਾਉਣ ਵਰਤਾਈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰ ਭੋਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਡੱਬਾ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਸਫਲੇ ਕਰੇ ਮਨ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਧਨ ਵੀ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋ ਚਲੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਹ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਜੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਆਹ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੈਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਓ ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੇਖ ਸਜਾਈਏ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਐਂ ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਆਹ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀਏ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਕਰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭਾਈ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਓ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿ ਰੂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਬਣਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਕਈ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਾਤੋਂ ਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਵਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਸਮੋਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਮੋਸੇ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਰੋਪੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਾਲ ਪਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰੋਪੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਜਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏ ਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਇਆ, ਰਾਗਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।